तकबर होता है बेटा किसी को अपने से कमतर समझना, आपके सामने हक आ जाए और उसको निगेट कर देना, अपनी जात को आगे कर देना और हक को निगेट कर देना। तकबर में एक दफा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा जाओ और जाके ना कोहे तूर पे कहीं कलाम हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने कहा मूसा तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जाके ना अपने से कोई कमतर चीज लेके आओ, कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज, कायनात में कोई ऐसी तखलीक जो तुमसे कमतर हो, जो तुम समझते हो कि तुमसे कमतर हो। अल्लाह मूसा बहुत घूमते हैं दुनिया में, बहुत घूमते हैं, काफी दिन बाद अल्लाह ताला के पास आते हैं। अल्लाह ताला ने कहा मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था कि अपने से कमतर चीज कोई मेरे सामने ढूंढ के लेके आओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे अपने से कमतर चीज कुछ नहीं मिली, चले कोई मच्छर ले आते, कोई लाल बेग ले आते, कोई सांप, कोई बिच्छू। उन्होंने कहा मुझसे कमतर जो है ना मुझे कोई चीज मिली कोई नहीं। अल्लाह ताला ने उनका ये जवाब सुन के कहा मूसा अगर तू अपने से कमतर समझ के एक बकरी का बच्चा ही ले आता ना मैं तुझे नबूवत से फारिग कर देता। इसको बेटा तकब्बुर कहते हैं। और हजरत मूसा ने जो शो किया वो उनकी आजजी और इनकसारी थी। ऐसे लोग अल्लाह का पसंद, ये नहीं कि आज मैंने कोई अल्लाह ने मुझे जो भी रुतबा दिया वो अल्लाह की तरफ से है, मेरा तो है ही कुछ नहीं, जो अल्लाह ने दौलत दिया वो भी अल्लाह की है, मेरी तो नहीं है। तो बेटा उसमें तकब्बुर जब हम करते हैं ना बाज़ औक़ात हम जब, और फिर उसमें हमारे इंसान के अंदर एक और चीज़ होती है, जैसे ईगो के अंदर हमने देखा कि उसको एक स्टेटस तो मिला हुआ था, एक सोल्जर का, एक ब्रेव सोल्जर का स्टेटस था, ऐसा नहीं था कि उसका वहाँ पर कोई स्टेटस कम था, लेकिन एक स्टेटस तो उसको मिला हुआ था कि वो थैलो का कोई करीब तरीन सोल्जर था और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। लेकिन जब उसने ये देखा कि रोड्रिगो को जो है उससे आगे कर दिया गया है और ये सारा कुछ, तो दैट लीड्स सॉरी कैसियो को उससे आगे कर दिया गया, तो दैट लीड्स टू जेलसी। तो बेटा ये चीजें होती हैं कि इंसान को जब एक स्टेटस मिलता है ना वो कहता है अब इससे भी आगे और आगे और आगे और आगे, वो कभी उस लेवल पे आके खुश होता ही नहीं है जो अल्लाह ने उसको दिया हुआ। अगर वो वैसे ही वहीं बैठे बैठे ही शुक्र अदा करना शुरू कर देना, अल्लाह ताला वहीं बैठे बैठे उसकी नेमतों में इजाफा करना शुरू कर देता। लेकिन हमें अगर हमारी तनख्वाह मिल गई है, चले हमें एक स्कूल जॉब मिली है 10,000 की, अब हमारी कोशिश होगी इसको छोड़ के 12,000 वाली जॉब पे जाए, फिर 12 से 15, 15 से 18, 18 से 20। तो बेटा ये जो है ना एक भागना स्टेटस के पीछे, ये इंसान के अंदर है कि जब उसको कामयाबी मिलती है ना वो उससे और आगे जाने की कोशिश करता है, फिर और आगे जाने की कोशिश करता है, नहीं अब यूं भी। यकीन जानिए जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, अगर आप वहीं बैठे बैठे उसी हाल में खुश है ना, अल्लाह आपको वहीं बैठे बैठे आपकी नेमतें जो है बढ़ाना शुरू कर देता है। हमारे लिए कोई इंसान चेंज होता है, हस्बैंड में ही चलें देखें, हमने थोड़ा बहुत चेंज देखा है तो हम क्या आगे से कहते हैं, बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस तरह के कमेंट्स करते हैं हम। ये क्या है, ये हमारा तकब्बुर है। हमें दुआ करनी चाहिए या अल्लाह इस बंदे को तूने हिदायत दी है और ज्यादा हिदायत दे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे और इर्द गिर्द के लोग हैं, जब हम उनको अच्छा बनते हुए देखते हैं हम कैसा कमेंट करते हैं, या एक बेनमाजी है उसको जब नमाज पढ़ना शुरू करता है तो हम कैसे कमेंट करते हैं, 4 दिन पढ़ रहा फिर ठीक, फिर दोबारा वैसे ही हो जाएगा। कोई हज करने जाता हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई हज करने जा रहा है, किसी की नेकी भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम क्या कहते हैं आगे से 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे कमेंट्स करते हैं ना। तो ये क्या है, ये हमारा तकब्बुर है कि हम एक बंदे को अपने से कमतर समझते हैं कि इतना गुनहगार बंदा हज करने जा रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा तकब्बुर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे ना, अल्लाह ताला ने कहा था कि अपने से जो कमतर कोई चीज लेके आओ, उन्होंने कहा मेरे से कमतर मुझे कोई दुनिया में कोई चीज नहीं मिली। हम कितने लोगों को कमतर समझते हैं बेटा, इसको तकब्बुर ही तो कहते हैं। फिर मुझे ऐसे क्यों कह दिया, ठीक है मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये क्या है बेटा, ये वही राईदाना तकब्बुर है जो ना तो आपको दुनिया में जीने देगा ना आपको आखिरत में जीने देगा। अपनी मैं को मार दें अगर दुनिया में आगे जाना बेटा, ठीक है अगर तो मैं नहीं मारी ना तो एंड पे जाके इंसान फिर कहीं उसका वो रुकता ही कहीं नहीं, फिर वो खुश होता ही कोई नहीं। एक्चुअली हमें जो है ना सुकून चाहिए होता है, और सुकून उस वक्त मिलता है जब इंसान शुक्रगुजार हो जाता है,
जब अपने दिल से ये जो जो है ना हमारे अंदर के मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं इतनी बीमार हूँ, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझे ऐसे पूछना चाहिए था तो मुझे वैसे पूछना चाहिए था, ये सारी चीजें क्या है बेटा? अपने आप को जो है लोगों के सामने कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे ऑनर मिले, मुझे अहमियत मिले, बेटा इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, इज्जत मिलनी होती है ना घर बैठे बैठे मिल जाती है, ठीक है? उसके लिए किसी का एहसास होना जरूरी नहीं होता कि किसी को एहसास है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे या ना करे, ऑटोमेटिकली जो है अल्लाह ताला आपको इज्जतें देना शुरू कर देता है। जब अल्लाह ने सोचा होता है कि मैंने इस बंदे को रिस्पेक्ट देना है, एक ऑनर देना है, एक इज्जत देनी है, तो बजाय बंदों से मांगने के हमें क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। तो दैट इज द बेसिक पॉइंट जो यहाँ पे मैं अभी बैठी सोच रही थी कि ईगो का कैरेक्टर और जस्ट अप्लाई कि हम लोग किस तरह से कितने लोगों की छोटी छोटी नेकियां हमारे अंदर है एक्सेप्टेंस कि हम किसी की छोटी सी नेकी बर्दाश्त कर सके। ईगो से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसी वो लेफ्टिनेंट बन गया और ओथेलो ने उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी कैसियों को। लेट्स सी इनसाइड आवरसेल्फ, क्या हम हमसे बर्दाश्त होती है औरों की नेकियां? क्या हमसे बर्दाश्त होता है कोई हमसे आगे चला जाए? क्या हमसे बर्दाश्त होता है दूसरे का बच्चा हमारे बच्चे से ज्यादा अच्छा है, या उसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है मैंने भी उसी स्कूल में डालना है या उससे अच्छे स्कूल में डालना है? उसका बच्चा जिस तरह से इंग्लिश फर फर बोलता है उससे आगे मुझे अपना बच्चा इंग्लिश फर फर बोलता हुआ नजर आना चाहिए? बेटा इंग्लिश बोल लेने से आपका बच्चा जो है ना कोई नेक इंसान या कामयाब इंसान नहीं हो जाएगा। आपका बच्चा उस दिन कामयाब इंसान बनेगा जिस दिन उसकी माँ उसकी परवरिश करेगी और उसको एक पॉजिटिव थॉट देगी, उसका गुमान बुलंद करेगी। ऐसी माओं के बच्चे जो होते हैं वो कामयाब होते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसे बच्चे जो सिर्फ सिलेबस तक कंफाइन होके रह जाते हैं बेटा, वो जिंदगी में कभी प्रैक्टिकल लाइफ में वो फेल हो जाते हैं। अपने बच्चों को टास्क दे घरों में बैठ के कि बेटा आपने ये भी करना है ये भी करना है, ताकि उनको रिलेशंस एक्चुअली बिल्डअप होने करने आने चाहिए, उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, उनको रिलेशंस निभाने आने चाहिए, उनको दोस्तियां निभाने आनी चाहिए, उनको कलीग्स के साथ बात करनी आनी चाहिए। दुनिया में आजकल डिग्री मैटर नहीं करती, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बड़ा मैटर करता है। जिस बच्चे को आपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स में डाल दिया है, जो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ किताबें चाटता है, मुझे पता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ लाया करता है, कहीं पे भी नहीं। सिवाय बुकिश हो जाने से इंसान कामयाब इंसान नहीं बनता। इंसान कामयाब उस दिन होता है जिस दिन उसको रिश्ते निभाने आते। इस वजह से आजकल डाइवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि हर कोई बुकिश है, ठीक है, और लोग प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ देखते नहीं है। हमारा बच्चा ओ लेवल्स करेगा कि ए लेवल्स करेगा कि मैट्रिक में जाएगा, हमारा कंसर्न इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू कि हम उस बच्चे को बताएं कि बेटा रिलेशन कैसे बिल्डअप करते हैं, बेटा एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, बहन भाइयों से बात कैसे करते हैं, कोई बीमार हो जाए तो उसको किस तरीके से जो है हैंडल करते हैं, उसकी तीमारदारी कैसे की जाती है। इन सब को छोड़ के हम किसी और दौड़ में लगे हुए, और वो क्या है, ये एक अना की दौड़ है, ये एक तकब्बुर की दौड़ है, ये एक स्टेटस की दौड़ है बेटा, जिसका एंड कोई नहीं है, एंड सिर्फ बर्बादी बर्बादी। मैंने बड़े बच्चे देखे हैं जवान होते हुए अपनी आंखों के सामने, पढ़ लिख जाते हैं, टॉपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आके फेल हो जाते हैं। टॉपर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा जो है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए बेटा वो जो सेकंड नंबर वाला जिस बच्चे की पोजीशन आती है ना सेकंड या थर्ड, वो ज्यादा कामयाब होता है एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट आया करता है, ठीक है? तो टॉपर होना इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती जितना कि आपका किरदार बुलंद है बेटा, वो बहुत बड़ी बात होती है। जो किरदार का काजी होता है ना बेटा, वही असल इंसान होता है, और उसमें सबसे पहले आप इस ये जो आपके अंदर राई दाना तकब्बुर है ना, अना का तकब्बुर, इसको निकाल के कहीं बाहर फेंक, मैं मेरा मेरी ये सब निकाल लें, देन यू विल लेड इंशाल्लाह अ वेरी जो है ना एक कंटेंटेड लाइफ आप गुजारेंगे, एक फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन लाइफ गुजारेंगे, और ये एक्चुअली इंसान की सक्सेस है। इंसान की सक्सेस जो है वो थैलो पढ़ लेना, एमए इंग्लिश लिटरेचर कर लेना, ये सक्सेस नहीं है। आपको ये किताबें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि आप लोग सीखें कि हम इतने मेंटली फ्रस्ट्रेशन में क्यों जाते हैं।
अगर मैं मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना बेटा, मेरे इर्द गिर्द के लोगों का कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। मुझे अगर नींद नहीं आ रही तो इर्द गिर्द के लोगों का कसूर नहीं है, मेरा कसूर है कि मैं अपनी सोचों को काबू नहीं कर पा रही। तो मुझे अपनी सोचों को कन्फाइन करना है, इतना भी नहीं सोचना कि मैं बीमार हो जाऊं। और अल्लाह को छोड़ के दुनिया के लोगों को जब सोचेंगे तो तकलीफ होगी, और दुनिया को छोड़ के बेटा जब अल्लाह को सोचेंगे तो दिमाग में एक सुकून तारी होगा। फिर चाहे आप जितनी मर्जी तकलीफ में हैं, फिजिकली या आउटवर्डली, आपके अंदर वैसे ही सुकून आ जाना, क्योंकि आपको ये ख्याल आ गया है इस वक्त कि जितना मैं बंदों के बारे में सोच रही हूँ, अगर अल्लाह के बारे में सोचना शुरू कर दूँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचूँ। तो दैट इज बेसिकली द लाइफ, और ये यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मैं देख रही थी। अब हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, एक्ट 2, उसकी समरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया हुआ था। और उसके बाद सॉरी सीन 1, एक्ट 1 सीन 2, ठीक है, उसकी समरी हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि श्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उकदा मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। एक्ट 1 सीन 2 बेटा आप लोगों का होमवर्क था। इसके अंदर जो है आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है एक्ट 2 सीन 2 के अंदर कि इयागो हैज नाउ जॉइंड ओथेलो एंड हैज टोल्ड ओथेलो अबाउट रोडरिगोस बिट्रेयल ऑफ द न्यूज ऑफ हिज मैरिज। ठीक है, अब इयागो जो है इससे पहले किसके साथ था एक्ट 1 सीन 1 में, क्लास किसके साथ था? इयागो रोडरिगो के साथ, ठीक है। और उसके बाद वो ब्रेबेंटियो के पास जाते हैं, दोनों कौन, रोडरिगो और जो है इएगो, ठीक है। और यहाँ पे जाके वो जो है ओथेलो को बताता है कि देखो रोडरिगो ने तुम्हारे तुम्हारे साथ जो है धोखा किया है, और उसने तुम्हारी न्यूज ऑफ मैरिज जो है वो जाके किसको बता दी है, ब्रेबेंटियो को बता दी। ही टेल्स ओथेलो दैट ब्रेबेंटियो इज अपसेट एंड विल प्रोबेबली ट्राई टू टियर डेस्टेमोना फ्रॉम हिम, कि वो डेस्टेमोना को उससे अब छीनने की कोशिश करेगा, डेस्टेमोना का बाप ब्रेबेंटियो। Cassio comes at last, and as do Roderigo and Brabantio, Iago threatens Roderigo with violence, again making a false show of his loyalty to Othello. Iago threat करता है Roderigo को violence के साथ, और फिर again वो एक false show of loyalty जो है वो करता है Othello के सामने, वो ये show करता है जैसे वो मतलब ओथेलो के सामने ही रोडरिगो को पहले थ्रेट करता है, और उसके और क्यों थ्रेट करता है, जस्ट टू शो ओथेलो के वो जो है शायद ओथेलो के साथ बहुत ज्यादा इयागो जो है लॉयल है। ब्रेबेंटियो स्वेयर्स दैट ओथेलो मस्ट हैव बिविस्ड हिज डॉटर, उसको लगता है कि उस ओथेलो ने उसकी बेटी जो है उसके ऊपर कोई जादू कर दिया है, एंड दैट द स्टेट विल नॉट डिसाइड फॉर हिम इन दिस केस, और ये कि स्टेट जो है उसके लिए कुछ भी इस केस में कोई डिसाइड नहीं करेगी। ओथेलो सेज दैट ड्यूक मस्ट हियर हिम, और वो कहता है कि ड्यूक को उसको उसकी बात सुननी चाहिए, एंड डिसाइड इन हिज फेवर, और उसकी फेवर में जो है डिसाइड करना चाहिए, हक में उसके फैसला करना चाहिए। एंड और ऑल इज फार फ्रॉम राइट एंड मैन, और जो है वो फैसला करना चाहिए जो वेनिस के हक में बेहतर हो, यानी कि वेनिस स्टेट के हक में बेहतर हो। इयागो कंटिन्यूज हिज डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन, वो अपनी ये मिस रिप्रेजेंटेशन, अपनी हिपोक्रेसी, हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट्स जो है वो कंटिन्यू करता है, स्वेयरिंग टू ओथेलो दैट ही कुड हैव किल्ड रोडरिगो फॉर व्हाट ही डिड, और वो स्वेयर ओथेलो को कहता है मैं तो रोडरिगो को किल कर दूंगा जो उसने किया। इयागो इज अ वेरी स्किल्ड एक्टर, ही इज एबल टू सक्सेसफुली प्रेजेंट अ कॉन्ट्रेरी अपीयरेंस, उसके अंदर वो स्किल्ड एक्टर था और उसके अंदर एक कॉन्ट्रेरी अपीयरेंस जो है वो बड़ा सक्सेसफुली प्रेजेंट करता है। Ironically, Iago alludes to Janus, the two-faced god. ठीक है, ironically देखा जाए तो Iago जो है वो Janus को represent करता है जो कि two-faced god है, in his conversation with Othello. Since Iago himself is two-faced, Janus seems to be fitting figure for Iago to invoke. Iago's duplicity is again exhibited in this scene as his tone swings friendly to backbiting as soon as Othello steps away. ठीक है, बहुत जल्दी वो बैक बाइट करना शुरू कर देता है, गीबत करता है जैसे ही ओथेलो वहां से चला जाता है, बैक टू हिज ओरिजिनल फ्रेंडलीनेस विद ओथेलोस रिटर्न। ओथेलो जब चला जाता है उसकी बैक बाइटिंग करना शुरू कर देता है और उसको फ्रेंडलीनेस शो करता है जब ओथेलो वापस आ जाता है। इयागो एक्टेड सपोर्टिव
of Othello's marriage to Desdemona. Cassio enters and uses a rather uncomplimentary metaphor to tell what Othello has done. और कैसियो एंटर होता है और यूज करता है एक रादर अनकॉम्प्लीमेंट्री मेटाफर टू टेल कि ओथेलो ने क्या किया है. ही टुनाइट हैज बोर्डेड अ लैंड कैरक. इयागो टेल्स कैसियो हिज डिक्शन एंड चॉइस ऑफ मेटाफर मेक ओथेलो इनटू सम काइंड ऑफ पायरेट. स्टीलिंग डेस्डेमोनास लव. कैसियो रिड्यूसेस डेस्डेमोना इनटू अ मेयर प्राइस टू बी टेकन. और कैसियो जो है वो डेस्डेमोना को जस्ट एक मेयर प्राइस जो कि विन कर लिया है किसने ओथेलो वो उसको ऐसे बोलता है. इयागो विल सून वांट कैसियो टू थिंक ऑफ डेस्डेमोना. अब जो है इयागो चाहता है कि कैसियो डेस्डेमोना के बारे में सोचे एज एन ऑब्जेक्ट टू बी टेकन कि एक ऑब्जेक्ट जिसको हासिल कर लिया गया है या पता कर लिया गया है. एंड टू बिलीव ओथेलो टू बी लेस ऑनरेबल देन हिम. और वो ये बिलीव करे कि ओथेलो जो है लेस ऑनरेबल है देन ही इज. यानी कि कैसियो से ओथेलो ये बिलीव करे कि वो लेस ऑनरेबल है देन कैसियो. ओथेलोस प्राइड फर्स्ट बिकम विजिबल हियर. ही इज एक्सेप्शनली प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट एंड हिज पब्लिक स्टेचर. प्राइड इज अ ह्यूज थीम ऑफ ओथेलो स्टोरी. ही इज प्राउड ऑफ डेस्डेमोनास अफेक्शन फॉर हिम. उसको बड़ा नाज था कि डेस्डेमोना उससे मोहब्बत करती है. He would not give her up for the sea's worth. ठीक है, he says. Pride is a huge theme of Othello's story. He is proud of Desdemona's affection. He would not give her up for the sea's worth. He says. वो कहता है कि वो उसको जो है sea's worth यानी कि ये समंदरी जितनी भी जंगें होती हैं जब वो कहीं पे भी जाता है तो वो कहता है कि मैं उसको give up नहीं कर सकता, मैं उसको छोड़ नहीं सकता. He says, Othello is very confident in his worth and in the respect he commands. उसको बहुत confident था, उसको अपनी अहमियत का अंदाजा था और अपनी respect जो कि उसकी command में थी. If the leader of the city decide to deny a worthy man like him his marriage to Desdemona, then he believes born slaves and pagans shall our statesmen be. वो कहता है कि अगर लीडर ऑफ द सिटी ये डिसाइड कर दें एक वर्दी मैन को डिनाई करें यानी कि जैसे ओथेलो था लाइक हिम ओथेलो की तरह के हिम हिज मैरिज टू डेस्डेमोना फिर वो ये बिलीव करता है कि बॉर्न स्लेव्स एंड पेगन्स शैल आवर स्टेट्समैन बी. तो वो कहता है कि ये बॉर्न स्लेव्स और पेगन्स जो हैं वो हमारे ऊपर हुकूमत करने लग जाएंगे. पेगन्स कौन कहते हैं? नॉन क्रिश्चियंस को कहते हैं. ऐसे लोगों को कहते हैं जिनका कोई गॉड नहीं होता. ठीक है, पेगन्स उनको कहते हैं. तो वो कहते हैं ये बॉर्न स्लेव्स और पेगन्स फिर हमारे स्टेट्समैन बन जाएंगे यानी कि हमारे ऊपर हुकूमत करने लग जाएंगे अगर हम ऐसे लोगों को जैसा कि ओथेलो खुद था तो ऐसे लोगों को हम इख्तियार नहीं देंगे. दिस स्टेटमेंट ऑफ पैराडॉक बिट्रेज ओथेलोस फेथ इन हिज इन द स्टेट एंड इन द ड्यूक रिगार्ड फॉर हिम. होपफुली नाइदर विल फेल हिम. और ये स्टेटमेंट ऑफ पैराडॉक्स कहते हैं कि दो ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को आमने सामने रखना. तो वो कहते हैं कि ये पैराडॉक्स स्टेटमेंट ऑफ पैराडॉक्स जो है ओथेलो के फेथ को बिट्रे करती है इन द स्टेट और इन द ड्यूक्स रिगार्ड फॉर हिम. होपफुली नाइदर विल फेल हिम. दिस इशू ऑफ रेस कम्स टू द फोरफ्रंट एज रेवेंजियो कन्फ्रंट्स ओथेलो अबाउट हिज मैरिज टू डेस्डेमोना. ये इशू ऑफ रेस था जो कि फोरफ्रंट पे उस वक्त आया जब ब्रेबेंटियो जो है कन्फ्रंट करता ओथेलो को कि उसने उसकी बेटी से शादी क्यों की है. डेस्डेमोना नेवर वुड हैव रन फ्रॉम हर गार्डेज टू द सूदी बॉसम ऑफ अ थिंग सच एज द. और वो कहता है कि डेस्डेमोना कभी भी ब्रेबेंटियो उसको कहता है ओथेलो को कि कभी भी वो उसके गार्डेज से जो है भाग के ऐसे सूदी बॉसम में ना जाती ऑफ अ थिंग सच एज दाउ जैसे कि तुम हो यानी कि ओथेलो को वो कहता है. ब्रेबेंटियो अज्यूम्स दैट डेस्डेमोना मस्ट हैव बीन एनचेंटेड टू मैरी ओथेलो मेयर बिकॉज ओथेलो इज ब्लैक. और ब्रेबेंटियो ये भी अज्यूम करता है कि ओथेलो को शायद इसने एनचेंट किया क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो यंग एज में एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती हैं. ब्रेबेंटियो इग्नोर्स ऑल ऑफ ओथेलोस गुड क्वालिटीज एंड गिव्स इनटू हिज रेसिस्ट फीलिंग. Magic is another recurrent theme, and here is linked to the stereotypes of African people as
knowing the black art of magic. African people जो थे वो black art of magic में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, being pagans and being lusty. African peoples को, African moors को ये समझा जाता था कि वो जो है उस दौर में magic art में बहुत ज़्यादा आगे थे. Pagans भी थे उनमें बहुत ज़्यादा और वो lusty भी बहुत थे. The theme of magic does not always play into the theme of race within the play. और ये जो theme of magic है वो that does not always play into the theme of race. ठीक है, within the play. कि ये जो है हमेशा जो है race theme of race के अंदर इतना ज़्यादा theme of magic जो है वो play नहीं करती जितना कि हम theme of jealousy या theme of race को देखते हैं. Analysis, stereotypes and history. At that time, Shakespeare was writing, there were in fact free blacks in England. England ke andar, jab Shakespeare ye likh raha tha, us waqt free blacks jo the England ke andar bahut zyada ho gaye the. However, racism was even more pronounced in Shakespeare's England than it is in Othello. A character like Othello could not have risen to such ranks in England at that time. Shakespeare plays much more progressive than the time in which it was written. Othello even manages to avoid stereotype more effectively than an other Shakespearean character like Shylock. Stereotypes are linked to Othello by other characters, but he manages to evade them through his nobility and individuality. अच्छा जी, उसके बाद Act 1 Scene 3 जो आज हमने पढ़ना है उसको देख लेते हैं. Military conflict is challenging the Venetian stronghold of Cyprus. ठीक है, अब जो है ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था. चैलेंजिंग वो चैलेंज कर रहा था वेनेटियन स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ साइप्रस. वेनेटियन स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ साइप्रस पे देयर आर रिपोर्ट्स दैट टर्किश शिप्स आर हीडिंग टुवर्ड द आइलैंड. अब यहाँ पे रिपोर्ट्स थी कि टर्किश शिप्स जो है वो जो है आइलैंड की तरफ आ रही है, विच मीन सम डिफेंस विल बी नेसेसरी. जिससे मुराद ये था कि कोई जो डिफेंस है वो इनको करना पड़ेगा क्योंकि वेनिस ने होल्ड कर लिया था साइप्रस को, यानी कि इनका होल्ड था. और खबरें ये आ रही थी कि टर्किश शिप्स जो है ना वो इन पे साइप्रस पे हमला करने वाली है. ब्रेबेंटियो एंड ओथेलो एंटर द असेंबल्ड वेनेटियन लीडर्स हु आर डिस्कसिंग दिस मिलिट्री मैटर. अब ब्रेबेंटियो और ओथेलो जब एंटर होते हैं असेंबल्ड वेनेटियन लीडर्स के सामने, तो वो उस वक्त इसी मिलिट्री मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई साइप्रस के ऊपर टर्किश शिप्स ने हमला करना है और वो जो है अब वो उनका वो कारवान जो है वो चल पड़ा है. ब्रेबेंटियो अनाउंसेस हिज ग्रीवेंस अगेंस्ट ओथेलो फॉर मैरिंग हिज डॉटर. ब्रेबेंटियो जो है अनाउंस करता है अपना वो जो दुख होता है कि अगेंस्ट ओथेलो कि उसने ओथेलो ने उसकी बेटी से शादी कर ली है. ओथेलो एड्रेसेस द कंपनी एंड एडमिटेड दैट ही डिड मैरी डेस्टिमोना बट वुड हर अच्छा डेस्टिमोना, लेकिन उसने उसको किस तरह से जो है अपना किया है, उसको अपनी स्टोरीज के जरिए उसने उसको कन्विंस किया एंड डिड हर नो रॉन्ग्स और उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया. डेस्डेमोना कम्स टू स्पीक एंड शी कन्फर्म्स ओथेलोस वर्ड. और डेस्डेमोना जो है वो वहां पे आके बोलती है और वो ओथेलो के वर्ड्स को कन्फर्म कर देती है. ब्रेबेंटियो ग्रीवेंस इज डिनाइड. अब ब्रेबेंटियो की वो जो ग्रीवेंस होती है उसको डिनाई कर दिया जाता है. डेस्डेमोना विल इंडीड स्टे विद ओथेलो और ये फैसला किया जाता है कि डेस्डेमोना अब स्टे करेगी ओथेलो के साथ. ओथेलो इज कॉल्ड अवे टू साइप्रस to help with conflict there. और ओथेलो को जो है कहा जाता है कि वो वेनिस से कहाँ चला जाए, साइप्रस की तरफ चला जाए to help with the conflict there. वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है किस कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है कि टर्किश शिप्स जो हैं वो साइप्रस पे हमला करने वाली है, इस कन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व करें. ओथेलो एंड डेस्डेमोना विन देयर अपील एंड डेस्डेमोना इज टू स्टे विद इयागो अंटिल शी कैन कम टू साइप्रस एंड मीट. अब जो है ओथेलो और डेस्डेमोना जो है वो एक्चुअली विन कर जाते हैं अपनी अपील को और डेस्डेमोना को कहा जाता है कि वो इयागो के साथ स्टे करेगी अंटिल वो जो है साइप्रस जाती है और वहां से ओथेलो से मिलती है. रोडेरिगो इज अपसेट दैट डेस्डेमोना एंड ओथेलोस यूनियन वाज अलाउड टू स्टैंड. और रोडेरिगो जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है कि डेस्डेमोना और ओथेलो की जो यूनियन है उसको अलाउ कर दिया गया है कि मतलब वो दोनों अब अपनी शादी कंटिन्यू कर सकते हैं. ही लस्ट आफ्टर डेस्डेमोना
Iago assures him that the match will not last long. Iago usko assure karata hai ki dekho abhi match abhi khatam nahi hua. And at any time, Desdemona could come rushing to him. Aur kabhi kisi bhi waqt Desdemona aayegi uske paas hi bhaag ke. Iago wants to break up the couple using Roderigo as his pawn. Out of malice and his wicked ability to do so. Aur Iago kya koshish karta hai ki wo ab is कपल को ब्रेकअप करने की कोशिश करता है और रोडेरिगो को और रोडेरिगो क्या है वो उसका जो है एक तरह से पंजा है आउट ऑफ मलाइस और उसकी विग डेबिलिटी जो है रोडेरिगो की है वो उसको यूज करता है. यहाँ पे जो हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं बेटा उसके बाद आप ये स्लाइड को खोल के देख लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर क्या था. तो हम अब टेक्स्ट की तरफ चलते हैं ताकि हम इसको कम्प्लीट करें. टेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे